बेटी लाडली शायद तुम्हारे फादर आ गए, डोर तो ओपन करना जरा। जी मॉम अभी खोलती हूँ। अगले में हौसला दे रहे हैं। गेट आउट हियर निकम्मी कहके हैं। अस्सलामु अलैकुम फरहान की अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटी लाडली जरा अपने अब्बू के लिए पानी तो ला देना। जी मॉम अभी देती हूँ। फरहान की अम्मी पानी हमें आप पिलाएंगी, मैं उसका हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, मुझे बेटी से नफरत है, मेरा बस चले तो इसको घर से ही भगा दूं। अस्सलामु अलैकुम अब्बू जान, पानी पी लीजिए। दफा हो यहाँ से निकम्मी कहकी, काम चोर निकहकी हूँ। अरे लाडली का अबू इसे आप क्यों डांट रहे हैं, ये आपकी सगी बेटी है, इस तरह आपके बार बार डांटने से इनकी हिम्मत डिकोरेज हो जाती है। फरहान की अम्मी आपको इस तरह से बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़कियाँ कुछ काम की नहीं है, पाल पोस कर बड़ा करके ससुराल ही तो भेजना है, वैसे इस लड़की को ज्यादा लाडो प्यार जताने और मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई ये लड़कियाँ होती ही क्यों है, अरे भाई लड़के तो कुछ करते हैं, बाप के सहारा बनते हैं, जब से ये पैदा हुई तब से मेरा जीना हराम हो गया है, चल भाग यहाँ से, बीच में आ जाती है टपर टपर करने चैटर बॉक्स कहकी। लेकिन लाडली डोंट माइंड, जाओ अंदर जाओ, तुम्हारे अब्बू को ना इस तरह बातें करने की हैबिट सी हो गई है, ये तो लगता है अपना दिमाग बेचकर छोले भटूरे खा गए हैं, इसे रांची के हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। फरहान के अब्बू आपके लिए खाना लगवा दूँ। बस तुम्हारे बकवास से पेट भर गया, एक तो दिन भर के थके हरे घर में आराम करने आए तो डर का आराम तक नसीब नहीं होता, घर में एंटर होती ही वो मनुष्य चुड़ैल सामने आ जाती है। लाडली का अबू आपका ये सोच सरासर गलत है कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां भी पढ़ लिख कर IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है, हमारी छोरी छोरा से कम है क्या हूँ। और हाँ आपको एक बात बताऊं, आजकल की लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है, सी इज इनोसेंट, माशाल्लाह हमारी लाडली बेहद जहीन, एवरीआरसी का फर्स्ट इन द क्लास, आप बेकार तौर पर भड़क रहे हैं, आपने नहीं पढ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने था एक ही बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और सही वक्त पर उनका शादी कराया, गोया वो जन्नत का हकदार है। अब रहने भी दो, बेटी बेटी चिल्लाते रहती है चैटर बॉक्स कहकी। अम्मी जान मैं सोने जा रही हूँ, कल बाजार से ना मुझे कुछ जरूरी बुक्स लाना है। बाजार जाने की बात कर रही है, एक मिनट, अगर बाजार जाना है तो पूरे पर्दे में जा, वरना घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत मत करना। लाडली के अबू ठीक है, वो बुर्का भी पहन लेगी, इसमें कौन सी बुराई है, और हाँ मेरी बच्ची को बुर्का पहनने का बहुत शौक है, आप बेटे की मोहब्बत के नशे में अपनी प्यारी बेटी एकलौती बेटी के साथ ना इंसाफी ना करे, दोरे जाहिलियत की तरह बेटों पर बेटियों को फौकियत ना दे, बेटा और बेटी दोनों बराबर है। यार छोड़ो ये फिजूल की बातें, बहुत लेक्चर दे चुकी है, खुद भी काम करो और मुझे भी आराम करने दो। बेटी लाडली जरा नीचे से वो झाड़ू देना। जी मॉम अभी देती हूँ। अम्मी अम्मी एक बात कहूँ आपसे। हाँ कहो क्या बात है। वो हमारी फ्रेंड है ननिदा, जिसको आप अच्छी तरह जानती है। यस आई नो, तो उनके फादर उन्हें अक्सर शॉपिंग मार्केट के लेके जाते हैं, मेरे फादर मुझे क्यों नहीं लेके जाते, व्हाई आई एम नॉट एवर टू अंडरस्टैंड मॉम। मेरी बच्ची लाडली हम भी तो लेके जाते हैं ना, डोंट वरी। नहीं मॉम मेरे अब्बू तो मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं है, हमेशा डांट फटकार करते रहते हैं, ऐसा क्यों मॉम। बेटी लाडली तुम्हारा ये थॉट सरासर गलत है, तुम्हारे फादर तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, सिर्फ वो अपनी मोहब्बत का एक्सप्रेस नहीं करते, तुम्हें अभी इस उम्र में समझ में नहीं आएगा, ठीक है तुम इतना किचन साफ कर दो, मैं बाजार से होकर आती हूँ।
जी माँ। सुबह खैर हो गई मेरे लाडले के नींद। अरे आप अचानक मेरे घर पे आए, क्या बात है? ऑलवेज वेल फ्रेंड्स। अरे यार कुछ नहीं, बस यही पूछना था। वैसे करे जो है नहीं, बस टेंशन मत ले, मुझे अपना बुक इम्प्रेस करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू बस दे, मैं अभी क्या करता हूँ। अगर मेरे अबू के बिना नाश्ते बोलूंगा तो अभी नाश्ता लगेंगे। ओके बाय। अरे फरहान बेटे, व्हाट हैपेंड? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अबू मैं आपसे बहुत अपसेट हूँ। क्या हुआ मेरे लाल को, क्यों नाराज है अपना अबू से? अबू मेरे तमाम दोस्तों ने नए आईफोन खरीदे हैं, मुझे भी नया आईफोन चाहिए। अच्छा तो आप इस वजह से नाराज हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर पैसे भी नहीं रहेगा तो मेरे बेटों के खुशी के लिए दोनों किडनी बेच कर लाके दूंगा। अबू अभी मुझे 3,000 रुपया भी चाहिए। वो किस लिए? हम तमाम फ्रेंड्स मिलकर पार्टी सर्टी करेंगे, आपका भी इनवाइट है अबू। अच्छा एक मिनट, तुमने 3,000 मांगा, ये 5,000 लो। यस थैंक यू अबू, शुक्रिया अबू। अबू ये मेरे पहला वाला फोन किसी काम का नहीं है, आप इसे रख लीजिए। मैं इसका क्या करूं, मेरे पास एक ऑलरेडी मोबाइल है। अबू मुझे दे दीजिए। चुप हो निकम्मी लड़की, दिखाई नहीं देते हैं बाप बेटे बात कर रहे हैं? गेट आउट हियर, नो सेल फोन चाहिए। अबू उस बेवकूफ लड़की से मैंने कहा था कि मेरा रूम साफ कर दो, लेकिन अभी तक के लिए नहीं किया। मैं उसे अभी दिखाता हूँ। ए निकम्मी लड़की कम यार, जल्दी आओ। जी जी अब्बू। साइड से तुझे तेरे भाई कुछ काम दिया था, वो काम था कौन सा? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। जी जी अब्बू। ऐसी कौन सी काम में थी जो तेरे भाई का कमरा साफ करना भूल गई? ए निकम्मी लड़की, अगर तेरे भाई का फ्रेश होने तक कमरा साफ नहीं हुआ ना, तू देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। ठीक है अबू, डोंट वरी, आई विल डू एवरीथिंग बिफोर कमिंग माय ब्रदर। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, अम्मी तो बाजार गई है कुछ सामान लाने के लिए, ब्रेकफास्ट कौन तैयार करेगा? ओ महारानी ब्रेकफास्ट तुम तैयार करोगी। अब मैं यू आर ओनली हूँ। भैया मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करना है। चलो बढ़िया, ये ब्रेकफास्ट तैयार करने वाली अपना खुद का नेटा दाएं हाथ से साफ करती है और ब्रेकफास्ट तैयार करेगी। मैं तुम्हारे इस हाथ के बने हुए नहीं खाऊंगा। चलो मुझे खाने को दे। क्या बात है। बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही है। अस्सलामुअलैकुम लाडली काबू। वालेकुम अस्सलाम। लाडली कहाँ है? बाबरची खाना में। वो क्या कर रही है आखिर बाबरची खाने में लाडली काबू? हर चीज के लिए सवाल जरूरी नहीं है, अगर इतना फिक्र अपनी लाडली की तो खुद जाकर रख लो। अरे मेरी बच्ची लाडली व्हाट हैपेंड, रो क्यों रही हो, ब्लड क्यों बह रहा है? मम्मी
चलो मेरी बच्ची लाडली, तुम्हें बैंडेज लगवाती हूँ। फरहान, तुमने अपनी छोटी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। अम्मी, मैं उसे मजाक कर रहा था। नीचे आवाज में बात करो, बेइंतहा तुम अखलाक बन चुके हो। फरहान की अम्मी, तुमने मेरे बेटे को इसके आगे ये लफ्ज भी बोली ना तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। इस बदतमीज लड़के के वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया, देखना आप इसके बदतमीजी पर जरूर पछताएंगे। इस एक टीम पर तो ताली बनता है, बस जोरो शोर के साथ लगाया ताकि हमारे बच्चों के और अंदर एनर्जी पैदा हो जाए। अम्मी रहने दीजिए, अम्मी चुप हो जाइए। अम्मी आपको मेरी वजह से मार खाना पड़ा, काश मैं आपके सामने आ जाती तो आपको मार खाना नहीं पड़ता। मेरी प्यारी अम्मी चुप हो जाइए। एक माँ बेटी के नाटक को मैं खुद जानता हूँ। कितना बुरा भाई है बताइए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। चेकसन हुआ है नहीं? चेक पड़े पड़े उसमें रुई लग जाएगा। अरे चेकसन तो हो चुका है। आज मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरी है, किसी को पैसा देना है। अभी नहीं, अभी तो मैं किसी प्रोग्राम को अटेंड करने जा रहा हूँ। अरे आप बेफिक्र रहिए, कल शाम तक आपको चेक दे जाऊंगा। देखिए खान साहब, आप मुझे लट्टू की तरह गोल गोल मत घुमाइए और मुझे टोपी मत पहनाइए। आपके चेक के चक्कर में ना मेरा यही है। रोना बंद करो मेरी बच्ची लाडली। ओके डोंट वरी, आई विल पे यू नेक्स्ट डे। ओके फरहान के अबू आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। लीजिए। बीबियां कैसी होती है आप देख सकते हैं, शौहर उनके ऊपर जुल्म करे फिर भी वो उन्हीं के लिए तरसती रहती है। लाडली का अबू मैं आपसे एक बात कहूँ। बोलो क्या बात है। आपका ये सलूक घर में ठीक नहीं है। आप बस और बच्चों के सामने मुझ पर हाथ उठाते हैं, आपको उनकी तालीम और तरबियत की कोई फिक्र नहीं। तुम मुझे सही और गलत बताओगी, और सुन नालायक लड़की इधर आ। जी जी अब्बू। जूते धोकर छत पर रख दो। बताइए कैसा बुरा बाप है, है? अरे फरहान की अम्मी, इस घर में सब बहरी है क्या? देखो दरवाजा में कौन आया है। और पांच मिनट चले गए। अस्सलामुअलैकुम बुआ जान। वालेकुम अस्सलाम। अचानक आप कहाँ से? क्या आप लोगों को मालूम नहीं कि दादी जान की तबीयत अचानक खराब हो गई है? क्या हुआ उनको? कल तो ठीक थी। उनको थोड़ा बीमार आया था और कुछ देर बाद चलते चलते जमीन पर गिर गए। मुझे लगता है कि बीपी लो हो गया है और आप उन्हें उनका हॉस्पिटल लेके गए हैं। आप जल्दी आने की तैयारी करें। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। ये वो कितनी परेशानी से गुजर रही है आप लोग समझ सकते हैं। अरे भाई क्या हुआ, क्यों फूकना फुला रहे हो? बंगाली भाषा फूकना। खान साहब आपने ये सब बिल्कुल सही नहीं। खान साहब आपको तो शर्म आनी चाहिए, इस बेचारी के ऊपर मुसीबत सर पे मंडला रही है। इस बेचारी का कलेजा फट के हाथ पे आ गई है और आप मजे लेके पूछते हैं कि क्यों फूकना फुलाती है। इनकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। अब कौन है, अब कौन कहाँ से टपक पड़ी बीच में? आपने मुझे पहचाना नहीं। आपका लाडला बेटा जिससे आप जान से ज्यादा एक तरफा प्यार करते हैं उसका फ्रेंड हूँ। अच्छा अच्छा बैठिए। अच्छा अच्छा तब आपका रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है। हैव अ टैक्सी प्लीज। अम्मी जान, नानी जान तो क्या हुआ? आप आराम से बैठिए।
मैं बताती हूँ, आपकी नानी जान की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आपकी अम्मी आपको नहीं लेके जा पाएगी। लाडली काबू, मैं अपनी अम्मी को देखने के लिए जाना चाहती हूँ। मैं अपने साथ लाडली को नहीं ले जा सकती क्योंकि उनका क्लासेस चल रही है। फरहान की अम्मी, इस गधी को बोझ को अपने साथ लेके जाओ। अरे भाई, इस घर में रोने चिल्लाने की मतलब क्यों हो रहा है? देखो हम एक महारानी को कहां से बिन गड्ढे की कूद पड़ी है। खान साहब, आपको पीड़ित इसलिए एलर्जी क्यों है? आप अपने बेटे के साथ इस तरह सख्ती करते हैं। जब आपको पीड़ित इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, तो आप जिसका शादी करके अपना वाइफ बनाए हैं, वो भी तो किसी की बेटी है। तुम्हें ये सब नसीहत की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। फरहान की अम्मी, तुम इस लड़की को अपने साथ लेके जाओ, मैं ये एक सेकंड भी अपने साथ नहीं रखूंगी। अजी, कोई भी बात सोच समझ कर बोला कीजिए ना। मैं सोच समझ कर ही बोलता हूँ। अगर तुम इस लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकती हो तो छोड़ के आ जाओ किसी यतीम खाने में, वैसे मुझे इस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। खान साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? कि आपके बच्चे यतीम है, उनके पेरेंट्स अभी जिंदा है, जीती जी खुद को मार डाला, आपका तो एक लौती बेटी है, उसको तो सर आंखों पर बैठा कर रखना चाहिए। आप लड़की के साथ इस तरह की बात करती है, आपको तो चिल्लू भर के पानी में डूब के मत जाना चाहिए। आप कौन है? मैं फरहान का दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा, बैठिए फरहान की अम्मी। खैर, आपको जो करना है वो करो। बेटी लाडली, मैं जा रही हूँ, टेक केयर योर सेल्फ। ओके मॉम। खान साहब, आपने ये सब बिल्कुल सही नहीं किया, क्योंकि आपके शरीर में इंसान की चमड़ा है ही नहीं है। छोड़ दीजिए, मुझसे ले लीजिए। मेरे लाल, कुछ खाओगे बेटे? क्या हुआ मेरे कलेजा के टुकड़ा को? कुछ नहीं अब्बू। बेटा, जब बाप का किडनी बेचेगा तब पता चलेगा। बड़ा लाल लाल कर रहा है। कौन आ गया इस वक्त? अरे अम्मा, नोमन अरहान, हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप लोग एकदम सही वक्त पे आए हैं। क्यों, अभी कोई स्पेशल है क्या? मेरे अब्बू ने मेरे लिए आईफोन खरीदे हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बेटी के साथ गलत करेगा तो बाप को तो हार्ट अटैक आएगा ही ना। हाँ, तब तो आज हम लोग एंजॉय करेंगे और बहुत सारा सेल्फी खींचेंगे। वाह, तब तो आज हम लोग कुछ यूनिक सा काम करेंगे। ये देखो मेरा आईफोन। वाह, सो ब्यूटीफुल। पुराना मोबाइल ये कौन सी कंपनी का मोबाइल है यार? अरे यार, ये आईफोन कंपनी का मोबाइल है। कितने रुपए में खरीदे हैं? लगभग कॉस्टली 80,000 रुपए का है। सच में 10,000 का? सेल्फी बनती है ना? क्यों नहीं, जरूर। इतना कॉस्टली मोबाइल और एक सेल्फी ना हो तो पार्टी अधूरी रह जाएगी। लगातार मैं खींचता हूँ। मेरी अबू जान, व्हाट इज द मैटर? व्हाट इज पेन? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आपकी तबीयत ना सच है क्या? डोंट टॉक टू मी, गेट आउट हियर, डू योर ऑफ। यार, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता इस चार दीवारी में रहकर, दम घुटा जा रहा है। अबू, दवाई ले और जाओ अपना काम करो। तुमने तो सही कहा, लगता है कि हम लोग कैद खाने में फंसे हुए हैं। मैं भी यही सोच रहा था, खुले मैदान में जाकर पार्टी सेलिब्रेट क्यों ना करें? इसलिए तो हम लोगों को पैसे की बहुत जरूरत है। फरहान, तुम अपने अब्बू से पैसे।
पैसे ले लो ना। मैं अभी पैसे का बंदोबस्त करता हूँ। यार अबू, मुझे 2000 रुपये का सख्त जरूरत है। बेटा तुम्हें तो दिखाई दे रहा है मेरे तबीयत बहुत नासाज है। आपकी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? जाइए डॉक्टर के पास। आईफोन खरीदो। चलते हैं। अरे फरहान तुम्हारे अबू गिर गए। ये रोज का ड्रामा बाजी है। अबू अबू क्या हुआ? मेरे अबू को क्या हुआ? कोई देखो ना मेरे अबू को क्या हुआ? व्हाट इज द मैटर? अबू क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कोई है? एनीबडी हेल्प मी, मेरी मदद करो। कोई है? क्या कहा अबू आपने? मुझे बेटी कहा अबू? हाँ मेरी बच्ची। मैं आपके लिए अभी खाना लगाती हूँ। नहीं बेटी, मैं आराम करना चाहती हूँ। बेटी लाडली, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बेटियाँ तो घर की रानी होती है, उनका दिल बहुत नाजुक होता है। बेटियाँ तो घर को जन्नत बनाए रखती है। मुझे माफ करना बेटी। बीमार पड़ने के बाद ही पता चला, बताइए। माफी मांग के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप मेरे अबू हैं ना, लेकिन मुझे इस दौर में अफसोस है कि हम लड़कियां तो पैदाइशी रानी होती हैं। बचपन से हर चीज खरीद कर दिया जाता है और बड़े होने पर भी दुल्हा खरीद कर दिया जाता है। क्या बात है बेटा, आप ले जाइए अबू। ऐसे बेटियों को सल्यूट करने का मन करता है। ये सर हकीकत में अस्सलाम वालेकुम अबू। वो बड़े हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो एक हफ्ते के लिए गई थी, एक दिन में कैसे आ गई? मेरी अम्मी की तबीयत जल्द ठीक हो गई तो मैं जल्द लौट आई। मेरी बेटी कहाँ है? वो किसी काम में बाहर गई है। क्या हुआ आपको? आपका तबीयत तो ठीक है। रात में अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तब मेरे लगती जगत बेटी ने मेरी रात भर खातिर तवाज़ा करती रही। अब मेरी आंखें खुल गई है। बेटे के आंधी मोहब्बत के नशे में पागल हो गया था। अब मेरी प्यारी सी गुड़िया को हर वक्त जलील किया। अब बेटे के लिए किडनी बचने के लिए तैयार था, बताइए। हाँ अभी से अकल आ रहा सर, अब भी आज बात पकड़ते हैं लगता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। पानी पी लीजिए। अम्मी जान, नानी जान की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। तुम्हारे फादर तुम्हारे किसी काम से नाराज तो नहीं हुए? अम्मी ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बू अपनी लाडली बेटी से नाराज हो? मुझे माफ करना मेरी वाइफ, मैंने तुम पर भी हाथ उठा दिया था, मुझे माफ करो। और हाँ, अब तुम्हें फरहान की अम्मी नहीं लाडली की अम्मी कहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ताला पर पूरा पूरा यकीन था कि आपका सोच बदल जाएंगे। देर आए दुरुस्त आए। बीमार पड़ के ही सोच बदला बाबू। अम्मी अबू, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आज हमारी 10वीं का रिजल्ट आया है और मैं 85% के साथ टॉप किया हूँ। ये खुशी गाया है। अल्लाह का बेहद शुक्र है। लाडली की अम्मी, लाडली की मुंह मीठा कराओ, मेरी बेटी ने टॉप की है। आप लोग खाना वाना नहीं खाए का? थोड़ी सी तालीम हमारी बच्चों की अगर हौसला अफजाई हो जाए तो फिर क्या, दोनों हाथ बढ़ा दे, दोनों हाथ से बजा के थोड़ा हौसला बढ़ा दीजिए। महफिल में भी खुशियाँ छाई रहेगी, नींद भी भाग जाएगी। अम्मी जान भैया भी आ गए। रिजल्ट बताएगा, सुनिए। क्या हुआ बेटे के उदास हो? अम्मी अब्बू, आपसे मैंने एक बात छुपाई थी। कौन सी? मेरा इंटर रिजल्ट आ गया और मैं एग्जाम में फेल हो गया। अल्लाह करे फेल नहीं होगा।
दोस्तों के साथ मस्तियां गप्पे और आईफोन चाहिए। आईफोन में गया, ये इंटर और जो मैट्रिक की बच्चे जो भी हैं, गुजारिश करता हूँ मोबाइल से दूर रहिए। रिजल्ट अच्छा लाना चाहते हैं तो फिर इसी तरह होगा। क्या आप लोगों ने देखे कि बेटे को ज्यादा प्यार करने से क्या रिजल्ट मिलता है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग बेटा और बेटी में फर्क ना करें। वोट और इक्वल, बेटा और बेटी दोनों बराबर होता है। ए वतन तेरी बेटियां भी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बेटी बेटों से कम नहीं और पेश कर रही थी। 200 रुपये का प्राइज मासूमी के लिए आए हैं, वो 200 रुपये का प्राइज लेके जाए मासूमी।